ओके स्टूडेंट्स, अभी आज से इस लेक्चर से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, ये आपका 12 सीबीएसई में वॉल्यूम 3 का लास्ट चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली कुछ इसकी बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें एक तरीके से क्या हमको करना होता है एंड क्यों हम ये जो चैप्टर है वो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 पेज का फॉर्मेट होता है, उसका भी एक फॉर्मेट सब मैं आगे बताऊंगा आपको, पेज नंबर्स वगैरह मैं आपको टिक करवा दूंगा टेक्स्ट बुक में। मेनली यहाँ पे हमको 2 पेज का एक फॉर्मेट बनाना होता है एंड उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, टोटल जो सम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इस चैप्टर का मेन मोटिव ये है कि हमको हमारे कंपनी का कैश फ्लो पता करना है कि कितना कैश इनफ्लो आ रहा है। ठीक है, मतलब कितना कैश आ रहा है, कितना कैश इनफ्लो है और कितना कैश आउटफ्लो है। ठीक है, इस चैप्टर में मेन 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये रही। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन 3 एक्टिविटीज के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पर मेनली एक बार वापस से इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ। ओके, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है एंड टोटल कैश फ्लो हमको फाइंड करना होता है। अब अगर मैं इन 3 एक्टिविटीज के बारे में बताऊं, उससे पहले चलो मैं कुछ टर्म्स आपको, कुछ डेफिनेशंस बताता हूं जो कि इस चैप्टर में हम लोग यूज करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में से ही मैंने इमेजेस यहाँ पे डाली हुई है, पेज नंबर है 5.4, टेक्स्ट बुक में से मैंने डाली है इमेज। ओके, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यूज करूंगा, उसका मीनिंग आपको बताना चाहिए। सबसे पहले है कैश। इस चैप्टर में जब मैं बोलूँ कैश तो मेरा मतलब सिर्फ कैश, मतलब रोकड़ा वाले कैश से मेरा मतलब नहीं है। इस चैप्टर में कैश का मतलब होता है कैश एट हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, दोनों इंक्लूड होते हैं। दूसरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जितनी भी हमारी कैश वाली चीज है, यहाँ पे नीचे ये रहा आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है। सबसे पहले कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, ये सारी चीजें जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्हें बोलते हैं, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि हम ऑन द स्पॉट बेच सकते हैं, शेयर्स वगैरह। उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, ऐसे डिपॉजिट्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ये सारी चीजें जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होती है। इसके बाद दूसरा है कैश फ्लो। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज में। ठीक है, कैश फ्लो का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैश फ्लो ट्रांजेक्शन्स की वजह से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस। ठीक है, हमारे बैंक बैलेंस में सपोज करो 1 लाख रुपीज है और हमारे पास कैश में सपोज करो 20,000 रुपीज है। अब आप बैंक में गए एंड बैंक में से आपने 10,000 रुपीज निकलवा ली, तो यहाँ से 10,000 रुपीज जो है वो आप माइनस करोगे एंड ऑब्वियसली 10,000 रुपीज हमारे पास आएंगे तो 10,000 रुपीज जो है वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो हमारे पास सपोज यहाँ पे पहले था 1 लाख बैंक बैलेंस, 20,000 रुपीज था हमारे पास कैश बैलेंस, तो टोटल पैसा जो था वो था हमारे पास 1,20,000 रुपीज। हाँ, अब हमारे पास बैंक में है 90,000 रुपीज एंड हमारे पास कैश में है 30,000 रुपीज। अभी भी जो टोटल है वो है 1,20,000 रुपीज। तो ये कुछ इनको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, अगर आपको 11th स्टैंडर्ड याद है, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है एंड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन से हमारे कैश फ्लो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जस्ट मैंने ऊपर बताया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक आप कैश में से आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया या बैंक में से आप पैसा जो है वो कैश में लेके आ गए। इसके बाद नीचे मेन 3 एक्टिविटीज की डेफिनेशन दी हुई है, इन 3 एक्टिविटीज को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टोटल हमारे पूरे स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, इसका पूरा 1 पेज का फॉर्मेट बनता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला एंड तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला। 3 पार्ट्स मिला के
हमारा पूरा सम जो है वो बनता है। अब ऑब्वियसली इस लेक्चर में मेरे को थियरीज एंड कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हैं, एंड सम्स में डायरेक्टली मेरे को स्टार्ट कभी भी स्टार्ट करने का मन नहीं करता है। हमेशा कोई भी चैप्टर हो, आपको उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, उस चैप्टर की जो स्टोरी है, मैं ऐसे बोलता हूँ, वो पता होनी चाहिए। इस चैप्टर के ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझने हैं पहले, उसके बाद सम्स में जाएंगे आराम से। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसकी डेफिनेशन है आप लिखी हुई, मैं इसको थोड़ा इमेज को एनलार्ज कर देता हूँ। ओके, ये रही। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि हमारे बिजनेस की मेन इनकम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सेल्स एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सेल्स एक एग्जाम्पल है। हम जो गुड्स बेचते हैं मेन, अगर हम एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक तरीके से कंपनी है, तो जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमारी मेन इनकम है। हमको जो कमीशन मिलता है, हमको जो फीस मिलती है, हमको जो ब्रोकरेज मिलती है, वगैरह वगैरह, ये सारी एक्टिविटीज जो इनकम्स वगैरह होती हैं, एक्सपेंसेस भी, सैलरी है, वेजेस हैं, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको थोड़ा मैं एनलार्ज कर देता हूँ, थोड़ा क्लियरली दिखाई दे आपको। ओके, ये रहा कुछ एग्जांपल्स आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के दिए हुए हैं। दो टाइप की कंपनीज हैं, एक है नॉन फाइनेंशियल कंपनी, एक है फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो कि कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। फाइनेंशियल कंपनी जो है वो फाइनेंस में डील करती है, मतलब सिक्योरिटीज खरीद के सिक्योरिटीज बेचने का काम करती है और उस पर उनको प्रॉफिट होता है। ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। मुथूट फाइनेंस एक एग्जाम्पल है, ऐसी कंपनीज जो कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि बैंक्स नहीं होते हैं, एनबीएफसीज बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। मुथूट फाइनेंस है, दूसरी बहुत सारी एजेंसीज हैं। ओके, आपको गोल्ड पे लोन देंगे एंड आपको एक तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो एडवाइस देते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड्स की ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो लोगों के बिहाफ पे सिक्योरिटीज खरीदती हैं, तो ऐसी कंपनी को हम फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं, जो कि गुड्स या सर्विसेज में एक तरीके से बिजनेस नहीं करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं एंड सिक्योरिटीज में डील करते हैं। दूसरी जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है वो हमारी बेसिक कंपनीज है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया। ओके, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बैंक्स भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, गुड्स बेचने वाली हजारों कंपनी, जो कंपनी गुड्स बेचती है या जो भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में हम उनके नाम ऐड करते हैं। दोनों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो अलग है। दोनों के लिए, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग हैं एंड फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग हैं। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का समझा रहा हूँ। हमने गुड्स बेचे या हमने एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड की, उससे जो हमारी इनकम हुई वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश इनफ्लो। ओके, हमने एक तरीके से रॉयल्टीज हमको मिली या फीस या हमको कमीशन हमको मिला, तो ये भी कैश इनफ्लो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल से हमको पेमेंट्स मिली। ट्रेड रिसीवेबल में दो ही चीजें होती हैं, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल जब हमको पेमेंट करते हैं तो वो भी एक तरीके से हमारी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, पेमेंट जो भी हमें मिलती है। कैश पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड और अवेलिंग सर्विसेज, हमने एज ए कंपनी कोई गुड्स खरीदे या हमने एज ए कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड सर्विस ली तो उसकी पेमेंट हमको करनी पड़ेगी, तो ये कैश आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है एंड ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है। उसके बाद सैलरी, वेजेस एंड एम्प्लॉयज वगैरह को जो भी हमने एक्सपेंसेस पे किए, इंश्योरेंस कंपनी को हमने प्रीमियम पे किया, क्लेम्स की पेमेंट की। ओके, उसके बाद कैश पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे आर आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये वाली लाइन में लास्ट में आपको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगी। मैं अभी इतना बोल सकता हूं, अगर आपने इनकम टैक्स पे किया तो वो कैश आउटफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, एंड अगर आपको कभी कभी इनकम टैक्स रिफंड मिलता है तो वो इनकम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में।
कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि इनकम टैक्स इज रिलेटेड विद दिस एक्टिविटी दैट एक्टिविटी, वो मैं बाद में समझाऊंगा, धीरे धीरे आएगा वो भी आगे। अच्छा, फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में आपको तीनों एक्टिविटीज का मीनिंग समझाऊं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो हमारे ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ऑफिस के इनकम्स, ऑफिस के एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस, वो सब ऑपरेटिंग में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो भी हम इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट खरीदा हमने या हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, हमने इन्वेस्टमेंट बेची, ओके, उस पर इंटरेस्ट हमने एक तरीके से लिया, हमारी इनकम हुई, वो सब इन्वेस्टमेंट वाली जो एक्टिविटीज हैं, फिक्स्ड एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्वेस्टमेंट बेची, इंटरेस्ट वगैरह मिला, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तीसरी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारी जो भी बिजनेस के फाइनेंसिंग की चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी लोन लेगी, तो लोन लेगी तो वो एक इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, वो भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अच्छा, कंपनीज जो है वो शेयर कैपिटल इश्यू करती है, कंपनीज जो है वो डिबेंचर्स इशू करती हैं, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे जाएगा। अच्छा, कंपनीज जो डिबेंचर्स इशू करते हैं उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, वो भी एक तरीके से फाइनेंसिंग में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज का मेन बिजनेस ही होता है सिक्योरिटीज में ट्रेड करना, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो थोड़ा अलग होता है। ध्यान से समझो, सबसे पहले जो सेम पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो भी सैलरी बोनस हम वेजेस एम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो ऑपरेटिंग में आएगा। इनकम टैक्स हमने पे किया या इनकम टैक्स का रिफंड हमें मिला, वो भी एक तरीके से ऑपरेटिंग में आएगा। दो तीन चीजें जो है वो सेम है। अच्छा, अगर एक तरीके से फाइनेंशियल कंपनीज लोन लेती हैं, लोन देना अलग बात है, अगर लोन लेती है फाइनेंशियल कंपनी तो वो उस पे जो इंटरेस्ट पे किया वो भी ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है, ये सेम है। अलग क्या है? अलग ये है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो, फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो गुड्स हैं, फाइनेंशियल कंपनी के लिए गुड्स जो है वो है सिक्योरिटीज, ठीक है, दूसरी कंपनी के शेयर्स, एक तरीके से दूसरी कंपनी की डिबेंचर्स, ये सब फाइनेंशियल कंपनी के लिए गुड्स होते हैं, ये फाइनेंशियल कंपनीज खरीदते हैं एंड फिर अच्छा टाइम देख के बेच देते हैं, इस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं। तो जब ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो एक्चुअल में इनके लिए वो गुड्स हैं, ये गुड्स खरीदते हैं। तो जैसे नॉर्मल कंपनी गुड्स खरीदती है तो ऑपरेटिंग में जाता है, वैसे ही फाइनेंशियल कंपनी जब सिक्योरिटी खरीदती है बेचने के लिए, ऑब्वियसली क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि दिस इज अ फाइनेंशियल कंपनी एंड फाइनेंशियल कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, कुछ शेयर्स खरीदे फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेस तो फिर वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। इसके बाद लोन जो एक तरीके से दिए हैं या लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट पे करना, ठीक है, वो या इंटरेस्ट मिलना, इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी की रिसिप्ट, जो ये सिक्योरिटीज हैं जो गुड्स हैं इनके लिए, जब वो बेचते हैं तो उस पर जो भी पैसा मिलता है वो ऑपरेटिंग में जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज शेयर्स ये सब खरीदते हैं उस पर ऑब्वियसली डिविडेंड भी मिलता है, एंड वो डिविडेंड जो है वो भी इनके लिए एक टाइप की इनकम है, कैश इनफ्लो है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। यहाँ पे पॉज करके दो मिनट ये रीड करो, थोड़ा इसको आइडिया को ग्रास्प करो। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे टिपिकल इस चैप्टर का मैं पार्ट बोलूंगा वो फर्स्ट पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बाकी दो पार्ट्स मैं ऐसे बोलूंगा कंपैरेटिवली इजी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर मैं कंपेयर करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो वो ज्यादा इजी है। इसका सबसे टिपिकल पार्ट जो स्टूडेंट्स को टिपिकल लगता है, जो स्टूडेंट्स को समझने में टाइम लगता है, वो फर्स्ट वाला पार्ट ही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, तो जैसे जैसे रूल्स मैं समझाऊं, पॉज करके वीडियो लेक्चर अगर आप ऐप पे देख रहे हो, वो रूल्स को आइडियाज को एक तरीके से पॉज करके ग्रास्प करो, समझो, जो डाउट्स हैं वो मेरे को पूछो। ओके, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स है सारे आपके, ठीक है, ये बॉक्स दिया हुआ है। प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज,
मेन बिजनेस एक्टिविटीज बीइंग कैरीड बाय एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ऐसी एक्टिविटीज जो कि रेवेन्यू अर्न करके देती है, वो हर एक बिजनेस के लिए अलग होती है, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनके लिए कंप्यूटर बनाना एंड कंप्यूटर बेचना उनका प्रिंसिपल रेवेन्यू एंड प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, ओके। अगर एक कोई ट्रेडिंग कंपनी है जो कि फाइनेंशियल कंपनी है, उसके लिए एक तरीके से सिक्योरिटी खरीदना, सिक्योरिटी जो है बेचना, वो मेन एक्टिविटी है। कोई नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी है जो कि गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करती है या खरीदती है, तो उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना एक तरीके से मेन एक्टिविटी। इसके बाद एक एग्जांपल वन दिया हुआ है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि ऐसे एग्जांपल्स जो हैं वो ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो। मैं भी आपको आंसर बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, पर मैं ये चाहता हूं कि आप खुद से ट्राई करो। यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये, आपको चार एक्टिविटीज दी हुई हैं एंड चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एंड इसमें से कौन से जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में, वो आपको बताना है। पहले पॉज करो यहाँ पे वीडियो लेक्चर और खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। अब जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं लाइव लेक्चर, उनको स्टूडेंट्स को मैं हमेशा इस तरीके से समझाता हूँ कि मैं स्टेटमेंट ये ट्रांजेक्शन रीड करता हूँ, एंड स्टूडेंट से हम हमेशा पूछते हैं कि बताओ ऑपरेटिंग में आएगा कि नहीं, पर अब ऑब्वियसली मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड भी करना है तो मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा क्योंकि हमने गुड्स बेचे, ओके। इसके बाद कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा, हमने गुड्स खरीदे। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस पे की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन हम जो है वो फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है, जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। फिर नीचे आपको फिफ्थ नंबर दिया हुआ है, रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन जो है ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा, हम ऑपरेटिंग में नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात चल रही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, हमने मशीन खरीदी पैसे देके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, मशीन जो है वो इन्वेस्टिंग, एक फिक्स्ड एसेट होता है, मशीन हमने खरीदी तो वो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग में। फिर डिविडेंड पेड, कंपनी ने डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग में जाएगा, ओके, ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑफ कार इन कैश, हमने अपना कार जो है वो बेच दी। अब कार ऑब्वियसली एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, एसेट हमने बेचा तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, कमीशन हो, रॉयल्टी हो, ब्रोकरेज हो, रेंट हो, सब इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है। इसके बाद लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स ने हमको पेमेंट किया, बिल रिसीवेबल ने हमको पेमेंट की, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम्पल टू है, वापस से वही बोलूंगा, मैं पॉज कर रहा हूँ, ट्राई करो एंड उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी, अभी ट्राई करो, छुपा दिए मैंने आंसर्स, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड कौन सी होगी और फाइनेंशियल कंपनी, पिछला क्वेश्चन था नॉन फाइनेंशियल का, अब ये वाला क्वेश्चन है फाइनेंशियल का, ट्राई करो। आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा खुद से। अभी इसके आंसर्स, सबसे पहले लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ सैलरी और वेजेस, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो सैलरी वेजेस पे करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अब लोन लेना और लोन देना फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ये तो काम होता है, तो इस पे जो इंटरेस्ट पे किया वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, इंक्लूड करेंगे। इसके बाद थर्ड है रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ठीक है, हमने लोन दिया और उस पर हमको सामने से इंटरेस्ट मिला, ऑब्वियसली इनकी मेन इनकम है, ठीक है, लोन देने का काम, लोन लेने का काम है इनका, ठीक है, तो एक तरीके से जो लोन इन्होंने दिया किसी को उस पर इनको इंटरेस्ट मिला, ऑपरेटिंग में जाएगा क्योंकि इनकम है। उसके बाद इन्होंने लिखा है परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, शेयर्स खरीदे ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए,
तो ऑपरेटिंग में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये जो शेयर्स हैं इनके लिए गुड्स हैं। फिर इन्होंने लिखा हुआ है परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट, शेयर्स खरीदे पर एज अ इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा क्योंकि अभी इनका मोटिव है इन्वेस्ट करना। ओके, अभी इनका मोटिव इन शेयर्स को बेचना नहीं, अभी इन्होंने शेयर्स खरीदे इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर ये जो एक तरीके से शेयर्स खरीदे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। फिर फोर्थ में यहाँ पे, सॉरी सिक्स में लिखा हुआ है परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, एंड इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स के बिहाफ पे शेयर्स खरीदना या कस्टमर्स के बिहाफ पे शेयर्स बेचना, दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब खुद के बिहाफ पे खुद के लिए ये लोग शेयर्स खरीदते हैं, जब खुद के शेयर्स ये बेचते हैं, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पर कस्टमर्स के बिहाफ पे शेयर्स खरीदना या कस्टमर्स के बिहाफ पे शेयर्स बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये शेयर्स उनके लिए खरीदे हैं, उनके लिए बेचे। ओके, उस पर जो कमीशन मिलेगा इनको, शेयर्स इन्होंने कस्टमर्स के खरीदे, शेयर्स इन्होंने कस्टमर्स के बिहाफ पे बेचे, उस पर कमीशन या ब्रोकरेज जो मिलेगा, हाँ वो इनकम है, पर जो शेयर्स बेचे और खरीदे वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद 8th नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू किए कोई भी कंपनी, भले नॉन फाइनेंशियल हो या फाइनेंशियल हो, जब शेयर्स इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाता है, इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आगे यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, एंड इसके भी इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मेरे को सॉल्व करवाने हैं। ठीक है, धीरे धीरे पहले ये तीन एक्टिविटीज मैं समझा दूं आपको, एंड उसके बाद फिर इनके एग्जाम्पल्स हो जाए, फिर सम स्टार्ट करें।